राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को नवरात्रि का आज पहला दिन है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, आज मैं आपको कैप बनाना बताऊंगी। कैप मैंने इनकी पहले ही बना ली है, जैसे मैंने कि आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने किस तरीके से कैप बनाई है, सेम उसी तरीके से ये कैप मैंने बनाई है जिस तरीके से मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था। ये देखिए, अब इसमें क्या है कि मैं आपको डिजाइन बना करके दिखाऊंगी। जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में जो मैंने आपको पोशाक दिखाई थी, ये वाला डिजाइन बताया था मैंने आपको, तो मैं आपको इस कैप में ये वाला डिजाइन बना करके दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी जो भी वीडियो मैं आपको डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सॉरी, यहाँ रेड कलर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये देखिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ये हमने इसलिए ऊन छोड़ा है क्योंकि हमें इसमें ही साथ में कैप लगानी है, क्योंकि ऐसा होता है ना, कहीं कैप हो जाती है, हम रखते हैं साथ में ही रखते हैं, पर कहीं हमारी पोशाक रहती है, कहीं हमारी कैप खो जाती है, तो हमें इसमें हम इस तरीके से इसमें जोड़ देंगे, अटैच कर देंगे, तो हमारी कैप इसी के साथ में रहेगी, कहीं इधर से उधर नहीं होगी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम ये हमारा हिस्सा पीछे रहेगा, ये देखिए ये हिस्सा हमारा पीछे रहेगा, और हमें यहाँ से ये देखिए, ये आप इस तरीके से बराबर इस तरीके से करें, और इसके बाद में जो हमारा ये वाला हिस्सा है, ये और ये आ गया, ये जो किनारी आएगी, ये किनारी हमारी ये आ चुकी है। तो चलिए हम बनाते हैं अब इस तरीके से। हम ऊन को इसमें अंदर की साइड से निकालेंगे। हमारा एक चैन हो गया, एक चैन हो चुका है हमारा। और ये देखिए, हमें इस तरीके से फ्लावर बनाने हैं, हमें टू फ्लावर हमें इधर बनाने हैं, टू फ्लावर हमें इधर बनाने हैं। तो ये देखिए, हमारी एक चैन हो चुकी है, ये दो चैन, ये तीन चैन। तीन चैन के बाद में हमें ये जो ऊन दिख रही है, ये एक्स्ट्रा है, ये मैं अंदर सेट कर दूंगी तो ये दिखाई नहीं देगी। हमने यहाँ एक क्रोशिया, ये सॉरी दो क्रोशिया, क्योंकि तीन चैन का हमारा एक क्रोशिया बनता है, ये दूसरा दूसरा क्रोशिया, ये तीसरा क्रोशिया, ये हमारा चौथा क्रोशिया। हमने अपने वर्क को इस तरीके से टर्न करेंगे, और ये जो हमारा ये क्रोशिया, हमने जो तीन चेन बनाई थी, इसका एक क्रोशिया है, उसकी ऊपर वाली चेन, ये वाली, यहाँ से हम इस तरीके से निकालेंगे, और हम सिंगल इस तरीके से निकालेंगे। फिर से हम अपने वर्क को इस तरीके से टर्न करेंगे, फिर हम यहाँ पर टू चेन के बाद में फिर हम यहाँ इसी के अंदर, इसी के अंदर हम बनाएंगे। एक क्रोशिया, दो क्रोशिया, तीन क्रोशिया, चार क्रोशिया, ये देखिए चार बन चुके हैं। हम अपने वर्क को इस तरीके से टर्न करेंगे, जैसे मैंने आपको ये वाला फ्लावर बनाना बताया, इसी तरीके से हम इसे बनाएंगे। फिर अपने वर्क को टर्न करेंगे, देखिए इस तरीके से। तो देखिए हमारा ये इस तरीके से आएगा। फिर हम यहाँ पर आठ चैन बनाएंगे,
ये देख इस तरीके से ये हमारी दो हो चुकी हैं, तीन चार पाँच छ सात आठ, ये हमारी आठ चैन हो चुकी हैं। इस तरीके से हमने ऊन को इसके क्रोशिया के ऊपर लिया इस तरीके से, उसके बाद में हमने इस तरीके से हमने नापा था इसके साइड में हमें यहाँ देखिए इस तरीके से हमने ये नापा था, हमने ये इस तरीके से एक हमने यहाँ बनाया था और एक हम यहाँ बनाएंगे इस साइड में इस साइड। ये देखिए हमारी एक क्रोशिया इस तरीके से आएगी, ये देखिए एक क्रोशिया, ये हमारा दूसरा क्रोशिया, तीसरा, ये चार, चौथा। अपने बार को हम इस तरीके से टर्न करेंगे पीछे से, हम इसे इस तरीके से डिजाइन डाल देंगे। ये हमारा फ्लावर बन गया, इसी में हमने टू चेन बनाई, टू चेन के बाद में फिर हमने इसे इसी के अंदर एक और बनाई, एक और फ्लावर बनाएंगे। जैसे हमने इधर बनाया ना, इसी तरीके से हम इसे इधर भी बनाएंगे। ये देखिए एक चैन, दो चैन, सॉरी दो क्रोशिया, तीन चार, चार हो चुके हैं हमारे। चार के बाद में हमने अपना इस तरीके से वर्क, इस तरीके से हमने टर्न किया और फिर हमने इस तरीके से हमने इसे बनाया, ठीक है। उसके बाद में हम अपना ये ऊन कट कर देंगे यहाँ से, ये ऊन हमने इस तरीके से हमने कट कर दी। इस ऊन को हम इस तरीके से पीछे साइड लेकर आएंगे जो ये ना दिखे, इस तरीके से कि ऊन जब ये दिखाई देती है ना तो अच्छी नहीं लगती, इस तरीके से हम निकाल देंगे। अब उसके बाद में हम यहाँ पर येलो कलर लगाएंगे, जैसे हमने अब इसमें ये लगाया है ना, ये आ रहा है देखिए हमारा, तो इसी तरीके से हमारे इस चैन में येलो कलर आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे भी, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। हमने इसे देखिए अब हम यहाँ पांच क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ हमने दो चेन ली हैं इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर हमारी ये फली नहीं आ रही है इस तरीके से। आप चाहे तो आप एक ले सकते हैं, क्योंकि फिर हमारी है ना ये फली नहीं आएगी, ये जो डिजाइन है ना वो दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ पर हमने ये टू चेन ली हैं। उसके बाद में पांच चेन हमें इसमें बनानी है इस तरीके से, हमें पांच चेन बनानी है इस तरीके से, एक दो तीन चार पाँच। उसके बाद में हमें टू चेन बनानी है
हमारी टू चेन बन चुकी है। उसके बाद में हमें 5 क्रोशिया फिर बनानी है, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद में फिर हमें यहाँ पर फिर हमें इस तरीके से हाफ क्रोशिया बनानी है इस तरीके से। फिर से हम यहाँ अपनी ऊन को कट कर देंगे इस तरीके से। हम ऐसे इस तरीके से हम पीछे की साइड से निकाल देंगे इस तरीके से, जो हमारी ऊन ये ना दिखाई दे इस तरीके से, क्योंकि ऊन जो ये दिखाई एक्स्ट्रा ऊन दिखाई देती है ना तो अच्छी नहीं लगती, फिनिशिंग भी नहीं दिखाई मतलब आती है। ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब उसके बाद में हम इसमें ग्रीन कलर ऊन लगाएंगे। तो देखिए अब यहाँ हमारा ग्रीन कलर लगेगा, तो हम यहाँ पर ग्रीन कलर लगाते हैं। ये देखिए हम ग्रीन कलर को यहाँ से लेंगे, ये यहाँ से ये हॉल है ना, यहाँ से हम ग्रीन कलर लेंगे इस तरीके से, इसे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद में ये जो ऊन है हमारी, इस ऊन को हम साथ में ही देते चलेंगे जिससे कि फिर ये दिखाई नहीं देगी। ये चीज़ जैसे हमने इसमें लिया है ना, ये देखिए जैसे हमने इसमें लिया है ना, ये आगे से घुमा करके हमने लिया था, इस तरीके का डिजाइन आया है, हमें ठीक वैसे ही डिजाइन बनाना है। तो हम इस तरीके से बनाएंगे, पहले तो हमने इसे ऐसे घुमाया और फिर हमने इसे यहाँ से ऐसे करके निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। इस तरीके से हम बनाते चले, ये देखिए इस तरीके से बनाएंगे, बनाते हुए चलेंगे। और ये ऊन जो एक्स्ट्रा ऊन थी हम इसे साथ में ही लेते हुए चलेंगे, साथ में ही लेनी है हमें, जिससे कि हमारी पोशाक जो एक्स्ट्रा ऊन होती है वो दिखाई ना दे इस तरीके से। इस तरीके से हमारा डिजाइन ये बनता आएगा, जैसे हमारा ये है ना, इस तरीके से हमने बनाया है, ठीक सेम इसी तरीके से हमारा वर्क आएगा। उसके बाद में हमें इसमें 2 क्रोशिया बनानी है इस तरीके से, 2 चेन के बाद में फिर हमें इसी में इसी हॉल में है 2 क्रोशिया बनानी है इस तरीके से। फिर हमें ठीक सेम उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हमने ये डिजाइन बनाया ना, इस तरीके से हमने लिया है, ठीक हमें इसी तरीके से ये इस तरीके से बनाना है। हमें ये इस तरीके से पीछे से हम क्रोशिया डालेंगे तो आगे से ही निकलेगी। ये देखिए हमने इस तरीके से ये डाल ली और हमने ये चीज़ ऐसे घुमा करके हमने इस तरीके से हमने ले लिया, तो ये हमारा डिजाइन बनता हुआ आएगा। ये देखिए
आपको मेरी पगड़ी बनाने का कैप बनाने का तरीका अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, आप बताइए मुझे आपको मेरी कौन सी पोशाक अच्छी लगी, डिज़ाइन अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। ये देखिए हमारा इस तरीके से आएगा, अब हम इसको उनको यहाँ से कट करेंगे, हमने कट कर दिए। अब जो हमारे जो एक्स्ट्रा ऊन है इसे हम पहले तो जो हमारी ग्रीन वाली थी वो तो हमने देखी, इसने अंदर की साइड में ले दी है, वो हमारी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। अब जो हमारी येलो कलर की ऊन हम इसे इसी के अंदर इस तरीके से हम करेंगे जिससे कि हमारी ऊन जो एक्स्ट्रा है वो नहीं दिखाई। ये ड्रेस बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने का। आप इसमें छोटा साइज भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारी, देखिए बिल्कुल कहीं से भी ऊन हमारी नहीं दिखाई दे रही है ना, जो एक्स्ट्रा ऊन थी हमारी वो ऊन नहीं दिखाई दे रही है, ये देखिए। चलिए अब मैं इसमें आपको यहाँ साइड में हम मोती लगाएंगे, यहाँ यहाँ और यहाँ, तो मैं आपको मोती लगा करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमारे इस तरीके, ये छोटा ये बड़ा साइज है मोतियों का, ये छोटा साइज है, ये छोटा साइज है इस तरीके से। तो चलिए मैं आपको देख नहीं सकती, आपको लगा कर दिखाती हूँ। ठीक है, हम यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से ऐसे हम इसमें एक बार और इस तरीके से नोट लगाएंगे इस तरीके से। उसके बाद में हमको ये छोटे वाले मोती लेने हैं, एक दो तीन चार पाँच पाँच छः सात, हम दो और लेंगे, पाँच हो चुके हैं, छः सात। उसके बाद में फिर हम यहाँ एक मोती बड़ा लगाएंगे, ये हमने एक मोती हमने बड़ा ले लिया। उसके बाद में फिर हम एक और छोटा मोती लगाएंगे। अब जो हमने छोटा मोती है उसमें से नहीं निकालेंगे, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था मोती को किस तरीके से निकालना है, तो इसमें से अगर हम निकालेंगे तो हमारे सारे मोती सभी मोतियाँ हमारे निकल जाएंगे। तो हमें इस मोती में से ना निकाल कर इस बड़े वाले मोती में से ही हमें निकालना, इस तरीके से सुई को धीरे धीरे निकालना। फिर हमें एक नॉट लगा देंगे यहाँ इस तरीके से, कर देंगे। उसके बाद में फिर से हम इसी तरीके से मोती लेंगे, इस बार हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ये छोटा हो गया, एक हमें इसमें बड़ा बनाना है और एक हमें इसमें छोटा बनाना है। तो ये देखिए, एक पहले हमने सात मोती लिए थे छोटे वाले और इस बार हम 10 मोती लगाएंगे, पहले हम शुरू में 10 मोती लगाएंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो चुके हैं, उसके बाद में फिर हमें एक बड़ा मोती लेना है। एक हमें ये बड़ा मोती लेना है और इसके बाद में फिर से हमें छोटा मोती लगाना है। इस तरीके से जैसे हमने ये बनाया ना, इसी तरीके से हमें ये बनाना है। हम इस बड़े मोती में से निकालेंगे, धीरे धीरे निकालेंगे इस तरीके से, ऐसे निकालेंगे इस तरीके से। और आपको यहाँ अगर ये छोटे वाले मोती लगाओगे ना, तो आपको यहाँ पतला वाला नहीं वाला पिचक वाला धागा ही लेना है, जैसे मैंने लिया है। और इसी तरीके से पतली वाली सुई लेनी है आपको। अभी मैं दिखाती हूँ, हमारी देखिए पगड़ी हम इस तरीके से निकाल देंगे थोड़ा, जिससे कि हमारा जो एक्स्ट्रा धागा हो ना वो नहा नहीं दिखाई दे, क्योंकि अगर हम इसके पास से कट करते हैं ना तो ये दिखाई दे जाता है। तो हमारी कुछ ये पगड़ी कुछ इस तरीके से आएगी, इस तरीके से आएगी, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से। जब हमारे ठाकुर जी इस तरीके से पहनेंगे ना, इसी तरीके से दोनों साइड में बनेगी, एक साइड हमारा ये हो गया, एक इधर हो गया। तो देखिए हमारी कुछ इस तरीके से जब ठाकुर जी पहनेंगे तो इस तरीके से ये आएंगे लड़ी आए। चलिए मैं आपको ये दूसरा राउंड भी ये दूसरी भी बना करके जब कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। देखिए हमारी ये पगड़ी कैप, ठाकुर जी की पगड़ी भी बोल सकते हैं, कैप कैप भी बोल सकते हैं। देखिए ये हमारी दोनों साइड में जो हमने डिज़ाइन बनाया है मूर्तियों का, ये हमारा इस तरीके से आएगी। ये देखिए देख सकते हैं कि हमारे ठाकुर जी इसे पहनेंगे तो ये देखिए इस तरीके से हमारे ठाकुर जी, ये देखिए इस तरीके से हमारे ठाकुर जी आएंगे। हम एक मूर्ति अभी हम यहाँ पर लगाएंगे। इसके ऊपर एक छोटा लगाएंगे और छोटे को छोटे में से हम नहीं निकालेंगे, इस तरीके से हम इस तरीके से अपने बनाएंगे। तो देखिए हमारा डिजाइन बन चुका है, हम पीछे से नोक लगा देंगे। हमारी पगड़ी कैप जो भी है ये ठाकुर जी की, ये तैयार हो चुकी है। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा पूरा डिज़ाइन कम्प्लीट है। और आप चाहें तो यहाँ फ्लावर भी लगा सकते हैं। कैसा फ्लावर मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैंने ठाकुर जी की जो पगड़ी बनाकर दिखाई थी उसमें मैंने आपको ये कैप लगा करके ये फ्लावर लगा करके दिखाया था। इसी तरीके से आप ये आप लगा सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ आप कैसे लगा सकते हैं इसे।
आप चाहें तो मोती की जगह पर भी लगा सकती हैं और नहीं तो आप यहाँ लगा सकते हैं इस तरीके से, दिखाते हैं इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से आप लगा सकते हैं। पीछे को इसे भी अंदर की साइड में हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। आप ऐसे भी लगा सकते हैं बट मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं सिंपल ही रखूंगी, सिंपल ही बहुत सुंदर लग रही है ये। देखिए इस तरीके से, देखिए हमारा ये पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। हमारी ठाकुर जी की पोशाक है ये भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इनके साथ की मैचिंग की कैप भी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए हमारे ठाकुर जी इस तरीके से पहन आएंगे, ये देखिए इसे हम यहाँ जोड़ देते हैं जिससे कि हमारी ठाकुर जी की पोशाक इधर उधर ना जाए क्योंकि फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ठाकुर जी की पोशाक कहाँ है कहाँ नहीं है। तो देखिए ये है हमारे ठाकुर जी की पोशाक कंप्लीट हो चुकी है, ये देखिए। आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आपको मेरी ये ठाकुर जी की पोशाक कैसी लगी, ठाकुर जी की कैप कैसी लगी आपको, मेरा बनाने का तरीका आपको कैसा लगा। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, जितना आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आज जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ वो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मैं जो भी वीडियो आपको डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए ये हैं ये मूर्तियाँ, आपको कहीं भी कॉस्मेटिक पे भी मिल जाएंगी, कॉस्मेटिक की दुकान पे भी आपको आसानी से मिल जाएंगी, बुक वगैरह मिलती है वहाँ भी मिल जाएंगी। और ये बहुत सी चीज़ें होती हैं ना मार्केट में, ये दुकानें बनाने की बहुत सारा सामान मिलता है बनाने का, तो वहाँ भी आपको मिल जाएंगी। जहाँ ज़्यादातर इसी तरीके की चीज़ें मिलती हैं, मूर्तियाँ हैं और भी हैं, लेस वगैरह है, ये वहाँ भी आपको आसानी से मिल जाएंगी। ये देखिए, ये देखिए हमारी पगड़ी बहुत सुंदर लग रही है। तो चलिए हम मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।